फायरिंग, कई जवानों के घायल होने की खबर। अतिरिक्त बल ऑपरेशन स्थल पर भेजे गए। इस वक्त इस खबर में अभी मजीद अपडेट है। डोडा से बड़ी खबर है, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर। कोटी वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग, कई जवानों के घायल होने की भी खबरें आई हैं। अतिरिक्त बल ऑपरेशन स्थल पर भेजे गए हैं। मैं अभी डोडा के लाल दर्मन इलाके में मौजूद हूं। यही वो इलाका है जहां कल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के आतंकवादियों के साथ जो है मुठभेड़ हुई और जिसमें कुछ जवान जो हैं वो जख्मी हो गए। अभी आप देख सकते हैं कि इस इलाके को कॉर्डन किया गया है सेना की तरफ से। यहां तक जो है मीडिया को आने की अनुमति दी गई है। उसके आगे जो है रास्ता बंद कर दिया गया है। आगे गाड़ियां जो है वो सेना की लगी हुई है। जिस तरह का ये इलाका है आप देख सकते हैं कि डेंस फॉरेस्ट है और टोपोग्राफी जो इसकी टेरेन है वो इतनी मुश्किल है और जिस तरह के चैलेंजेस जो हमने देखा पिछले जो जो घात लगा के हमला हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस पे मशेड़ी इलाके में कठुआ के, वैसा ही कमोवेश वैसा ही इलाका आपको दिखाई देगा जहां पे जो है डेंस जो है फॉरेस्ट है और साथ में यहां पे आप देख सकते हैं कि बरसात का मौसम है तो जो यहां पे हरियाली है और जिस तरह की यहां पे जिस तरह झाड़ियां उगी हुई हैं तो ऐसे में कई नेचुरल जो है जगहें बन जाती हैं आतंकवादियों के छुपने की। उसी का फायदा उठा के जो है रात के वक्त आतंकवाद यहां से भागने की कोशिश में है। लेकिन कल रात से ही शाम से जो है यहां पे कॉर्डन जो है वो सेना का लगा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का लगा हुआ है और कोशिश यही है कि आतंकवादियों को किसी भी तरह यहां से भागने ना दिया जाए क्योंकि हमने देखा है कि इस इलाके में वापस जो है आतंकवाद को रिवाइव करने की जो साजिश है ISI और पाकिस्तान की उसको अमली जमा पहनाने के लिए कुछ आतंकवादी जो यहां पे फॉरेन टेररिस्ट हैं वो इस इलाके में आके छुपे हुए हैं और घात लगा के जब मौका मिलता है तब वो हमला करते हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पुख्ता इंफॉर्मेशन मिली थी कि इलाके में जो है कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं और एक कॉर्डन भी लगाया गया था लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवादियों को जब यह मालूम हो गया और उन्होंने ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो चलाई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस का कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की जो है वो अब कसम खा ली है और इस इलाके को जो चप्पा चप्पा है वो खंगाला जा रहा है। आप हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी इस इलाके को जो है छाना जाएगा और ड्रोन के माध्यम से और जितने भी गैजेट्स हैं सेना के पास सबका उपयोग किया जाएगा ताकि जो आतंकवादी हैं इस कॉर्डन को भेदने में कामयाब ना हो पाए। आप देख सकते हैं ये सेना का हेलीकॉप्टर अब यहां पे इलाके में गश्त लगाता हुआ, सुबह से ही ये हेलीकॉप्टर यहां पे गश्त लगा रहा है जिससे आप समझ सकते हैं कि यहां पे जो तलाशी अभियान है उसमें हर तरह से कोशिश है सेना की कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए क्योंकि ये जो कुछ आतंकवादी जो जम्मू रीजन में इस वक्त छुपे हुए हैं उनका सफाया करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब जिस तरह से यहाँ पे विकास होने लगा है और पिछले कुछ सालों में विकास हुआ है और उससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाहट में है और उसके बाद जब आम चुनाव हुए और पिछले रिकॉर्ड जो है वो टूट गए उससे भी ISI जो है वो बौखलाहट में है और इसी बौखलाहट में जो आतंकवादी जो जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके निर्देश पे यहाँ पे जो है गड़बड़ी फैलाने के लिए और आतंक फैलाने के लिए आतंकवादी जो हैं आए दिन घात लगा के हमला करने की कोशिश में है।